हेलो फ्रेंड्स, आज हम दूध पिट्ठी बनाएंगे। बहुत ही यूनिक डिश है और कंप्लीट देसी स्टाइल में बनेगा आज, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दूध पिट्ठी बनाने के लिए आटा, पहले आप थोड़ा सा उसका डो बना लें। आटे का, गेहूं के आटे का डो बनेगा और उसे इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हाथ में दाबते हुए निकालना है और सूखे आटे में उसे गिराते जाना है। इस तरह से आपको बनाना है, इस तरह से, इस ढंग से हाथ में रगड़ते हुए उसे आटे में गिराते जाना है, बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में, इस तरह से। और सूखे आटे में थोड़े से सूखे आटे भी लिए जाएंगे और उसमें गिराते जाना है। कढ़ाई गरम करने के बाद मैंने उसमें सारे पिट्ठी डाल दिए हैं और उसे ड्राई रोस्ट करना है हल्का लाल होने तक। कम आँच पे ही इसे ड्राई रोस्ट करना है। बहुत ही यूनिक डिश है और हेल्दी डिश है, आप एनी टाइम अपने घर में बना सकते हैं। जब ये थोड़ा भुन जाएगा तब इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करना है फ्राई करने के लिए, उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। घी डालने के बाद भी इसे थोड़ी देर के लिए भुनना है, जब तक ये थोड़ा हल्का ब्राउन ना हो जाए, लाइट ब्राउन कलर का। दूध मैंने चढ़ा दिया है, वो अब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, उसके बाद मुझे इसमें पिट्ठी डालना है। दूध लगभग थोड़ा सा गर्म हो गया है, उसमें जो मैंने पिट्ठी भून के रखा है उसमें डालना है। इस तरह से सारे पिट्ठी को दूध में डाल देना है और लगातार कम आँच पर इसे पकाना है और चलाते रहना है, क्योंकि पिट्टी आटे का है तो वो बहुत जल्दी एक दूसरे में पकड़ लेता है, तो लगातार पिट्टी को चलाते हुए पकाना है। मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे पकाएं और जो भी गुठलियाँ बनती है उसे लगातार तोड़ते जाएं। जब एक बार सारी गुठलियाँ टूट जाएंगी तो वो फिर आपस में नहीं चिपकेगी। और इस तरह से आप देखिए पकाएं, हैंडल लगातार चलाते रहिए और उसके बाद थोड़ी देर पकने के बाद, इसे 5 से 6 मिनट पकने में लगता है, क्योंकि मैंने आटे की पिट्ठी को भुना था तो उसे टाइम लगेगा भुनने में, पकने में। देखिए बहुत ही अच्छा उबाल इसमें आ गया है दूध में, धीरे धीरे ये दूध गाढ़ा हो रहा है। बहुत ही देसी स्टाइल का ये रेसिपी है, आप अपने घर में एनी टाइम ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से गुठली को दाबते हुए तोड़ दें। अब इसमें पड़ जाएगा चीनी, शुगर, आप अपने पिट्टी के क्वांटिटी के हिसाब से मिठास डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर डालें और इसे लगातार चलाते रहें। अभी थोड़ी देर मुझे और इसे पकाना है, क्योंकि मैंने अभी तुरंत इसमें शुगर डाला है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।